जंतर मंतर तक की परमिशन थी, पर इन्होंने जानबूझ के एक दोपहर को एक सर्कुलर निकाल के और सभी डॉक्टरों के बीच में भ्रम पैदा करने की कोशिश करी कि ये रैली जो है वही सीमित कर दी जाएगी। और अभी हमारे पूर्ण रूप से जोर देने के कारण आपके सामने ये सब कुछ हुआ और ये रैली यहाँ तक आने के लिए परमिशन दी। ये भी एक मैसेज जाना चाहिए सरकार के पास कि अत्याचार अगर इस देश के अंदर इस तरीके से हीनियस क्राइम हो रहा है, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है और उसके बाद ये सरकार इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, ये एक जिसे कहते हैं कि बदतमीजी और एक उस आवाज़ को दबाने का कारण चल रहा है। ये सरकार है, चाहे वो सेंटर की हो चाहे वो स्टेट की सरकार हो, इस तरीके से करा जा रहा है वो उस क्लास के साथ जो कि कहा जाता है, अभी एक मीडिया ने कहा कि भगवान है। अरे भगवान के साथ क्या आप रेप करोगे, भगवान का क्या मर्डर करोगे? ये स्थिति वेस्ट बंगाल के अंदर हो रही है, वेस्ट बंगाल में ये स्थिति है कि आप उस तरीके से करोगे मर्डर। तो हमारा भी यही कहना है कि आज अस्पताल, अभी कुछ दिन पहले ही जीटीबी हॉस्पिटल में एक मरीज को गोली मार दी गई और उसके बाद 10 दिन 15 दिन के बाद एक डॉक्टर के साथ रेप और वो किया गया, क्या ये हॉस्पिटल सेफ है हमारे? बिल्कुल हमारे हॉस्पिटल सेफ नहीं है। आज आज ये स्थिति दिल्ली में ही नहीं है, अमृतसर में भी है, पंजाब में भी है, चंडीगढ़ के अंदर भी यही स्थिति है, यही स्थिति मध्य प्रदेश के अंदर भी है। आज सभी चिकित्सक समुदाय जो है इतना ज़्यादा डरा हुआ है और जिसमें कि फीमेल डॉक्टर रात की ड्यूटी करने से घबरा रहे हैं। हम भी आज, मेरी भी बेटी डॉक्टर है, क्या मैं अपनी बेटी को भेजने के लिए करूँगा? मैं सोचूंगा यार कोई और कर ले अपना काम, यही बेटर है। थैंक यू। क्या कैंडल मार्च आप लोग निकाल पा रहे हैं यहाँ से? ये कैंडल मार्च हमारी कल थी, आज हमारा मार्च था लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जंतर मंतर, जो कि इन्होंने प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स के अंदर रोक दिया गया है। लेकिन जन सहलाब, जो डॉक्टर्स हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट लाखों डॉक्टर, ये एक मार्च नहीं चल रहा, इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में कई जगह पर मार्चेस चल रही हैं। हमारा आक्रोश जायज़ है। क्यों जायज़ है? यह 8 अगस्त को जो हुआ है ये तो एक फाइनल नेल था, उससे पहले डॉक्टरों पे असॉल्ट करना तो रोजमर्रा की घटना बन गई है। हम कुछ नहीं मांग रहे, हम चाहते हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स को वर्किंग कंडीशन अच्छी दी जाए। जो बच्ची मरी है 8 अगस्त को, सोच के देखिए 36 घंटे की ड्यूटी के बाद वो सेमिनार रूम में खाना खा के सोने जा रही थी और जो वो हुआ है। हमारी मांग सिर्फ एक है, हमारे डॉक्टर्स को सिक्योरिटी दी जाए, सेफ्टी दी जाए, वुमेन डॉक्टर्स को सुविधाएं दी जाएं और जो एक कॉमन सेंट्रल एक्ट है जो कि कई सालों से मांगा जा रहा है उसको जल्दी लागू किया जाए। उसको बाकायदा कोरोना के दौरान अमित शाह जी ने ऑर्डिनेंस के रूप में पेश किया था, उसके बाद दोबारा से उन्होंने विड्रॉ कर लिया ये कह के कि डॉक्टरों को अलग प्रावधान की जरूरत नहीं है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट तक, अपने पार्लियामेंट तक आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि हमें सेंट्रल एक्ट की जरूरत है, क्योंकि हमारी वर्किंग कंडीशंस बहुत डिफिकल्ट हैं, हमारे खिलाफ असॉल्ट रुकने ही चाहिए, अदरवाइज देश में लोग डॉक्टर भी नहीं बनेंगे और डॉक्टर के लिए काम भी नहीं करेंगे। थैंक यू मच। मैं डॉक्टर पारस गंगवाल हूँ, अपने सारे दोस्तों की तरह एक प्रैक्टिसिंग फिजिशियन डॉक्टर जो इस कम्युनिटी, इस देश के लोगों की सेवा कर रहे हैं, अपनी सारे इमोशंस के साथ उनकी जान बचा रहे हैं। हमारे में से ही एक डॉक्टर ने बंगाल में 36 घंटे अपनी ड्यूटी करके लोगों को इमरजेंसी सर्विसेज दी और उसके साथ जो हुआ वो बिल्कुल बहुत बड़ा अपराध है जिसको हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। हम जो नारी शक्ति है उसका सम्मान करें, ये देवियाँ हैं हमारे देश की जो हम सबकी जन्म देती हैं, हम सबको बड़ा करती हैं, संवारती हैं, हम सबको उन सबका रेस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। और जो डॉक्टर्स का वर्क प्लेस है उस वर्क प्लेस में उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी ज़रूरी है जिससे हम आपका सबसे अच्छा इलाज कर सकें बिना भय के। सेम सभी लेडीज़ जो अपने वर्क एनवायरनमेंट में, उनको वर्क एनवायरनमेंट सेफ्टी मैंडेटरी है। सभी डॉक्टर्स में सबका विश्वास बहुत ज़रूरी है, उस विश्वास के साथ ही हम आपको बेस्ट सर्विसेज और बेस्ट इलाज दे सकते हैं। आज भी हमारे साथ जो हो रहा है वो एक एट्रोसिटी और अत्याचार के इक्विवेलेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन हमें अलाउ नहीं कर रहा है। हमारा साधारण सा जो प्रोटेस्ट है, शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, उसको लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से जंतर मंतर तक प्लान किया गया।